हेलो, हाँ मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं अखबार नया उजाला की ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। आज रात नागेश लिंका के फार्म हाउस पर हथियारों की बहुत बड़ी डील होने वाली है। सरहद पार से मशहूर आम डीलर इब्राहिम बलूच आने वाला है सर। वेलकम इब्राहिम बलूची, वेलकम। यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सरहद पार करने में खतरा तो रहता ही है, लेकिन इब्राहिम बलूची ऐसे खतरों से निपटना जानता है। अगर हथियारों का धंधा करना हो ना, तो खतरों से तो खेलना पड़ता ही है। पेमेंट हमेशा की तरह हवाला के जरिए पहुंच जाएगा? नहीं, हम तुमको पहले बोला था, इस बार पेमेंट हवाले से नहीं, डिलीवरी पर चाहिए, क्योंकि पिछली बार तुम्हारा पेमेंट लेट हुआ था। 10 करोड़ का पेमेंट हमको अभी का अभी मांगता, नहीं तो हम अपना ट्रक लेकर वापस चला जाएगा, समझा? इब्राहिम, आज तो बहुत गलत भाषा बोला। नागेश लिंका, जिसके नाम का डंका पूरे शहर में बजता है, उसके सामने ट्रक ले जाने की बात कैसे की तूने? ये जगह जहां तू बैठा है मौत का दहान है। नागेश लिंका के इजाजत के बगैर यहां से एक इंच भी नहीं हिल सकता। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो नागेश लिंका, ये बिल्कुल धोखा है। हमारे धंधे में आदमी लाशों की सीढ़ियों चढ़कर बुलंदी पर पहुंचता है, तुम्हारी ट्रक तो नहीं जाएगी, अगर तुम और तुम्हारे आदमी इस दुनिया से जरूर जाएंगे। बकवास बंद करो, मैं यहाँ से जरूर जाएगा, समझा? ए, क्या करते हो? बोले, जाओ ढूंढो, किसने फोटो निकाला है, जाओ ढूंढो। साहब, हमें यहां कोई भी नहीं मिला। थैंक यू मिस्टर अजय वर्मा, हथियारों की डील के बारे में आपने पुलिस को इन्फॉर्म करके अपने देशभक्त होने का सबूत दिया है। मेरी नजर में पत्रकार कहलाने का अधिकार सिर्फ उस कलमकार को है जो अपनी कलम को तलवार समझता है और उससे देश की रक्षा करता है। ये तूने ठीक नहीं किया अजय वर्मा, ज्यादा समय सलाखों के पीछे रहना मेरी आदत नहीं है। जिस दिन बाहर निकलूंगा ना, उस दिन तेरे घर वाले बहुत रोएंगे। ले चलो इसे। देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। नागेश लिंका, इस जंग में तुम अपने आप को अकेला मत समझना, तुम्हारा ये दोस्त सत्तार पठान भी तुम्हारे साथ है। पत्रकार अजय सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं, उसने मेरा भी बहुत नुकसान किया है, और आज उसी अजय की वजह से मुझे मेरा ड्रग्स का धंधा बंद करना पड़ा। सत्तार भाई से मेरी बात हो गई है भैया, तुम सिर्फ इतना बताओ कि अजय वर्मा को कैसी मौत मारना है। नागेश लिंका, जिसके नाम का डंका पूरे शहर में बजता है, वो अपने दुश्मन को ना कभी भूलता है ना ही माफ करता है। तुम फिक्र मत करो सत्तार भाई, इस केस का फैसला होने दो, उसके बाद अजय वर्मा को भी देख लेंगे। अजय जी, ये तो बड़े गर्व की बात है कि आप एक जांबाज पत्रकार की हैसियत से जाने जाते हैं। देखिए, कामयाबी की कोई सीमा नहीं है। इंसान चांद पर पहुंचने के बाद अभी सूरज पर जाने का सपना देख रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जिस तरह जिंदगी एक सच है, मौत भी एक सच है, हमें इसका सामना करना ही है। लेकिन जो लोग मौत के डर से मुजरिमों और जालिमों का साथ देते हैं, उनके जीने और मरने का कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी जान पर खेलकर
नागेश लिंका जैसे खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार करवाया और उसे सजा भी दिलवाई। अगर हर शहरी इसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे तो इस मुल्क से क्राइम और करप्शन बड़ी आसानी से खत्म की जा सकती है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है कि सेंट्रल क्लब ऑफ मुंबई ने आपको इस साल के मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। ये प्रेस्टीजियस अवार्ड हासिल करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि मौत से पहले वो अपने देश और कौम के लिए कोई ऐसा काम कर जाए कि मरने के बाद लोग उसे याद करें। अपने अजय की तस्वीर छपी है फ्रंट पेज पे, देखो। आप तो ऐसे ही एक्साइटेड हो रहे हैं जैसे अजय की तस्वीर पहली बार छपी हो। हमारा बेटा तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। अरे कामना, लेकिन ये न्यूज़ पर भी तो नजर डालो। बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, इसका अवार्ड मिला अपने बेटे को। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। गुड मॉर्निंग पिताजी। ये सब आपके और माँ के आशीर्वाद का फल है पिताजी। अरे बेटा, हमारा आशीर्वाद तो तेरे छोटे भाई विशाल पर भी है, लेकिन वो तेरे जैसा क्यों नहीं बना? तेरे बारे में अखबारों में पढ़कर, तस्वीरें देखकर हम दोनों की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। पर एक वो है जिसे बेटा कहने में भी शर्म आती है। पता नहीं आप उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। मैं पूछती हूँ, अगर उसे संगीत में दिलचस्पी है तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हारे इसी अंधे प्यार की वजह से बिगड़ा है वो। अगर तुम उसके शौक को इसी तरह हिमायत देती रही ना तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, जहाँ तक मैं विशाल को समझता हूँ वो सिंगिंग को पेशे के तौर पर कभी नहीं अपनाएगा। पढ़ाई पूरी करके नौकरी पर लग जाने दीजिए, ये गाना बजाना सब भूल जाएगा। अच्छा पिताजी, मैं ऑफिस चलता हूँ। आओ नटू, चलो। सर आपने कहा था कि मैं आपको याद दिला दूं, आज आप मारिया बेबी को शॉपिंग के लिए लेके जाने वाले थे। हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन बेबी का फोन आया था कि आज वो शॉपिंग पर नहीं जाएगी बल्कि अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाएगी। ओ Yeah.
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। थैंक यू नटवर, मुझे मालूम था कि एक दिन मेरा प्यार जरूर रंग लाएगा। अबे ओ पतझड़ के झड़े हुए पत्ते, तू भी कोई मोहब्बत करने की चीज है क्या? शक्ल देखे कभी आईने में? अबे तुझे देखकर तो शमशान की भड़कती आत्माएं भी डर जाएं। अरे यार क्यों मेरी जवानी को दीमक की तरह चाटने पे तुला हुआ है, मेरे दिमाग क्या बिगाड़ा है? अबे मुझ पे लाइन मारनी बंद कर, लाइन पे आ जा वरना मैं डॉक्टर को बोलकर तुझे नौकरी से अलग करवा दूंगा। हाय हाय, नौकरी क्या चीज है, तेरे प्यार में तुम्हें अपनी जान भी दे दूंगी। कसम से एक बार बांग के देख, हंसते हंसते दे दूंगी। दे दूंगी क्या? दे दूंगी यार, तू क्या दे दूंगी? आज से दिखता नहीं, टांग पे खड़ा हुआ जाता नहीं, जब देखो तो दे दूंगी दे दूंगी दे दूंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? ठीक हूँ। मैं कम इन डॉक्टर? यस कम इन। मेरा नाम आशा माथुर है, मैंने आपसे फोन पर अपॉइंटमेंट ली थी। ओह यस 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 यस, बैठिए। थैंक्स। कहिए क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम मेरे मंगेतर को है। वो दिल्ली से यहाँ पर आया था फिल्म स्टार बनने, वो हीरो तो नहीं बना और पागल हो गया। अब वो हर वक्त उठते जागते बैठते एक्टिंग करता रहता है, परेशान हो गई हूँ मैं। Well, it is a very interesting case. आप पेशेंट को अपने साथ नहीं लाई? लाई हूँ मगर झूठ बोलकर, क्योंकि डॉक्टर के नाम से वो बहुत डरता है। क्यों? दरअसल पहले मैं उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गई थी जिसने उसे शॉक लगा दिया था, तब से वो डॉक्टर से बहुत डरता है, इसलिए मैं आज उसको यहाँ पे ये बोलकर लाई हूँ कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलवाना है। I see. Okay, बुलाइए उसे। हामिद, कम इन। नमूना है। ए, कहीं आप वो तो नहीं कि नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा? मैं वो नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर डेविड, मेरे मतलब है कि मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर डेविड हूँ। ये चाबी तू अपने जेब में रख ले। अब ये ताला तेरे जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। नहीं। अगर माँ का दूध पिया है तो खड़ा हो। नहीं पिया। क्यों नहीं पिया है? क्योंकि मेरी माँ मेरे पैदा होने के पहले ही मर गई थी, मेरे बाप मुझे माफ कर। अमिता बोल, अमिता मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। ओह माय गॉड। अपुन तेरे को तब तक मारेगा। कब तक मारेगा? जब तक तेरे जिस्म में जान नहीं ये कपड़े रहेंगे। क्यों? कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगी। अरे भाई तुम तो कमाल के एक्टर हो भाई। तो फिर हीरो का चांस दो ना। चांस? हाँ। 12 साल से इस इंडस्ट्री के धक्के खा रहा हूँ सर, इतना घुमाऊं कि 4 इंच की हील घिसकर आज 1 इंच की हो गई है सर। आप मुझे एक बार चांस देके तो देखिए सर,
मैं, पर देखो आग लगा दूंगा सर। हाँ हाँ मैं तुम्हें चांस जरूर दूंगा, हीरो हीरो बना दूंगा। तो फिर निकालिए साइनिंग अमाउंट। अरे भाई पहले हम अग्रीमेंट बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर तुम्हारा सिग्नेचर लेंगे, उसके बाद तुम्हें साइनिंग अमाउंट देंगे। हाँ हाँ अब तुम एक काम करो, बाहर जाकर तुम बैठो। हाँ हाँ मैं आशा की से तुम्हारी डेटों के बारे में बातचीत करनी है। जा, जा। लेकिन बेड़ो हीरोइन आप उनका मतलब की होने चाहिए। भाई वो तो है ही। तुम बाहर आओ जल्दी से। अरे ये तो कमाल हो गया मारिया कि तुम्हें पहली नजर में किसी के साथ प्यार हो गया, वरना मैं तो समझा था कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। फिल्म में नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तुम्हारी मेरी लव सिक्वेंस स्टोरी ऐसे ही तो शुरू हुई थी, याद है? तुमने पहली नजर में मुझे घायल कर दिया। अबे वो लटकते हुए खंजर, फटे हुए ढोल, जरा सोच समझ के बोल। मारिया बेबी सामने खड़ी है। अरे तुझ में ऐसा क्या है कि कोई तुझे घायल करेगा? ना तेरे मुंह में दांत है, ना तेरे पेट में आंत है, ऐसा क्या तेरे अंदर? हाँ तेरे वो तो डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि तरस खाकर तुम्हें रखा हुआ नौकरी पर, वरना तुम तो तालियां बजा बजा कर किसी सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांगने के भी काबिल नहीं हो। अरे ऐसे घायल कर दिया था। अच्छा मारिया ये बताओ कि ये जो तुम्हारे सपनों का राजकुमार है विशाल, तुम्हें कब, कहां और कैसे मिला? मैं उसके शो में गई थी अंकल। अच्छा मतलब ही इज अ सिंगर एंड डांसर। हाँ अंकल। अरे मारिया यू आर वेरी लकी, हां तुम्हें प्यार हुआ भी तो एक कलाकार के साथ। यू नो जो कलाकार लोग होते हैं ना, बड़े इमोशनल किस्म के लोग होते हैं। एक बार जिसे आपने दिल में बिठा लेते हैं, उसके बाद उसे दिल से कभी नहीं निकालते, मरते दम तक साथ निभाते हैं ये लोग। पिताजी आपने म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? बंदर की तरह उछलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे यही समय अगर कुछ अच्छी किताबें पढ़ने में लगाओगे तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप तो हमेशा मेरे बच्चे को डांटते रहते हैं, पता नहीं आपको संगीत से इतनी नफरत क्यों है। अरे ये भी कोई म्यूजिक है? म्यूजिक तो हमारे जमाने में हुआ करता था, जिसे सुनकर दिल झूम उठता। पर पिताजी वेस्टर्न म्यूजिक भी हमारे कल्चर के लिए जरूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। पर बेटा पिताजी पिताजी मैं दो दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा भैया विश अ वेरी हैप्पी जर्नी। अच्छा माँ ठीक है। अच्छा आज आपका बर्थडे है, आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो। क्यों पार्टी में आने का इरादा नहीं है क्या? देखो मारिया जब तक तुम पार्टी में नहीं आओगी मैं अपना केक नहीं काटूंगा। अरे मैंने कब कहा मैं नहीं आऊंगी, मैं तो जरूर आऊंगी। हेलो राजेश। हेलो अंकल। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू अंकल। अच्छा मारिया बाय। बाय। बेटी ये लड़का यहाँ क्या करने आया था? अंकल आज इसका बर्थडे है, इनवाइट करने आया था। पता नहीं मुझे ये लड़का अच्छा नहीं लगता। देखो तुम ज्यादा इसके करीब मत जाना। अंकल वो सिर्फ मेरा दोस्त है। ठीक है एनीवे वो तुम्हारा सिंगर दोस्त जिसे तुम अपना दिल दे बैठी हो, क्या नाम बताया था तुमने उसका? विशाल। हाँ विशाल, तुम्हारा उसे मिली कि नहीं मिली? अब तक तो नहीं मिली अंकल, पर एक बात श्योर है, अगर मैं दोबारा उससे मिलूंगी उसे भी मुझसे प्यार हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। एक कमरा चाहिए। सिंगल या डबल रूम सर? सिंगल। योर नेम प्लीज सर? योर नेम प्लीज। मिसेस संजय मल्होत्रा। फ्रॉम? पुणे। आप कितने दिन रुकेंगे? दो दिन। This way, sir. Thank you. यार, मैं तुझे अपना गुरु मानता हूँ। छोकरी पटाने में मास्टर है तू। यार वो 31 दिसंबर की नाइट में जो लड़की मिली थी उसका क्या हुआ? साले तूने उसको छोड़ा नहीं होगा, क्यों? उसका नंबर भी लगने वाला है आज। मैंने उसको झूठ बोलकर इनवाइट किया है कि आज मेरा जन्मदिन है। She may come any moment. साहब, और कुछ चाहिए साहब? नहीं इतना ही बहुत है। तो मैं जाऊं साहब? क्यों कहां जाना है? वो क्या है कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए मुझे जल्दी जाना है। ठीक है ये लो। धन्यवाद।
अच्छा यार, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। क्यों, कहाँ जा रहा है? 2-3 महीने के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ, बड़े भैया के पास। मैं चलता हूँ, ठीक है, चल। गुड यार, गुड, तेरी तो ऐश है यार। अरे यार, तू भी चलो, गुड नाइट, बाय बाय बाय। नागेश लिंका, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। मुझे पता है, नागेश लिंका जिसके नाम का डंका पूरे शहर में बजता है, वो इस जेल की काल कोठड़ी में रहकर भी बाहर की खबर रखता है। राजेश की हत्या की खबर मुझे मिल चुके है सत्तार भाई। तुम्हारी नजर में उसका कातिल कौन हो सकता है? राजेश की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, लगता है मेरे किसी दुश्मन ने मेरे भाई के खून से अपनी प्यास बुझाई है। तुम फिक्र मत करो नागेश लिंका, जिसने तुमसे तुम्हारा भाई छीना है, मैं उससे उसकी जिंदगी छीनूंगा, ये सत्तार पठान का वादा है। इंस्पेक्टर किरण चौधरी रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। मिस किरण, तुमने मशहूर आर्म डीलर नागेश लिंका का तो नाम सुना ही होगा। यस सर, जिसे पत्रकार अजय वर्मा ने अपनी जान पर खेलकर गिरफ्तार करवाया। और पिछले हफ्ते उसके भाई राजेश लिंका का खून हो गया और पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। अब ये केस मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून का सर ऊंचा करोगी। राइट सर, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। यू मे गो नाउ। सर, सुनिए जी, मैं इंस्पेक्टर किरण चौधरी हूँ। एफआईआर के मुताबिक तुम यहाँ के पुराने नौकर हो? जी हाँ। और यहाँ कौन कौन रहता है? फिलहाल तो मैं ही रहता हूँ। 13 जून के रात, जिस रात राजेश लिंका का खून हुआ था, उस रात इधर कौन कौन आया था? जी, छोटे साहब का एक दोस्त आया था। उसने उस दिन छोटे साहब के साथ शराब पी थी। फिर क्या हुआ? फिर छोटे साहब उन्हीं के साथ रुक गए और मैं घर चला गया। दूसरे दिन पता चला कि छोटे साहब की हत्या हो गई, लेकिन उसका चेहरा मुझे अच्छी तरह याद है। अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए, तुम उसे पहचान लोगे? जी, पहचान लूंगा। That's good. अगर वो कभी भी तुम्हारे सामने आ जाए, तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन करके मुझे खबर देना। जी मैम सर। विशाल के पीछे मैं और नहीं भाग सकती। तो उसे भूल जाओ यार, उसे भूलना इतना आसान नहीं।
और अभी किसे बुलाने की बात चल रही है? अरे हाथ मत लगाना यार। अपनी मारिया तो बिल्कुल मायूस हो गई है, विशाल तो उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। बेटी, प्यार के रास्ते में इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं तो थक गई हूँ अंकल, समझ में नहीं आता उसका दिल कैसे जीतूं। अब ये तो तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा मारिया। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। लीजिए, गले हुए केले के दिमाग में आइडिया आया है। ये तो वही बात हुई कि सूखी नदी में सैलाब आ गया। तो अंकल आप मुझे आइडिया बताइए ना। आखिर मारिया में कमी क्या है यार, जो तू उसे घास नहीं डालता। खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और क्या चाहिए तुझे? यार खूबसूरत होना, पढ़ा लिखा होना सब कुछ नहीं होता। संस्कार और कल्चर भी कोई चीज होती है। उसका लाइफस्टाइल, उसका पहनावा हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। और देखा, जूलिया रॉबर्ट्स जैसे कपड़े तो पहनती है वो। कुछ भी हो यार, लेकिन वो तुझे दिल से चाहती है। तो मैं कौन सा उससे नफरत करता हूँ यार, आई ऑल्सो लाइक हर। लेकिन जहां तक प्यार का सवाल है, हाय, वो तो किसी प्योर हिंदुस्तानी लड़की से ही करूंगा। क्या समझती हो तुम अपने आप को? इस तरह से मुझे खुलेआम किस करके क्या साबित करना चाहती हो तुम? That you are a bloody bold girl? और शायद तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी इस घटिया हरकत से मैं तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊंगा। But you are mistaken, ma'am. अरे तुम सिर्फ नाम की इंडियन हो, तुम्हारे दिलो दिमाग पे वेस्टर्न कल्चर का भूत सवार है। मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा रहन सहन बिल्कुल अलग है, समझी? मारिया, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ, क्या बेटी, तुम्हारी तुम्हारी आंखों में आंसू मैं पहली बार देख रहा हूँ। Tell me what happened baby, विशाल ने कुछ कहा तुम्हें? विशाल ने मुझे थप्पड़ मारा। What? उसकी ये मजाल कि उसने मेरी फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठाया? उसने तुम्हें तमाचा क्यों मारा? उसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने उसके गाल पर एक किस किया। किस करना कोई गुनाह है, कोई जुर्म है? मगर इसे एक बात साबित जरूर होती है कि विशाल एक अच्छा लड़का है और अच्छे खानदान से है। देखो बेटी, किस करना हमारी सोसाइटी में बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस समाज में विशाल रहता है वहाँ उसे अच्छा नहीं समझते। तुम उससे बहुत प्यार करती हो ना बेटी? हाँ। तो फिर सुनो, जब किसी को अपने रंग में ढालना मुमकिन ना हो तो आदमी को चाहिए कि खुद उसके रंग में ढल जाए। आज से तुम अपने आप को विशाल के रंग में ढाल दो, वही करो जो उसे पसंद है, तो खुद ब खुद उसका दिल तुम्हारी तरफ झुक जाएगा। You are right, uncle. Now come on, my child. We'll go out for dinner. जल्दी से तैयार हो जा बेटा। Huh? Okay? सर, ये राजेश लिंका मर्डर केस में पुलिस की नाकामी के बारे में मैंने आर्टिकल लिखा है, आप जरा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जाओ। ओके। मिस्टर अजय वर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? तुम एक मुजरिम हो, तुम्हें अपने जुर्म का एहसास होना चाहिए। तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। चलिए। पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? ये बताने के लिए कि अकबर नया उजाला के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी जुड़ा हुआ है। पिछले दो महीनों से ना ही तुमने मुझे फोन किया और ना ही ये जानने की कोशिश की कि मैं कैसी हूँ। अच्छा, तो ये जुर्म है? हाँ अजय, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये तो मैं जानती हूँ,
तो फिर जालो मुझे आंखों में बसा लो, पलकों पे सजा लो मुझे आंखों में बसा लो, आंखों में बसा के मुझे दिल में छुपा लो, दिल में छुपा के सनम अपना बना लो, अपना बना लो सनम अपना बना लो। खुशबू की तरह से मुझे जुल्फों में बसा लो, जुल्फों में बसा के मुझे सांसों में छुपा लो, सांसों में छुपा के सनम अपना बना लो, अपना बना लो सनम अपना बना लो। दिल में छुपा के सनम अपना बना लो, अपना बना लो सनम अपना बना लो, अपना बना लो सनम अपना बना लो। क्या समझ लिया अपुन के आदमियों को अंदर करके तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया? तू जानती नहीं अपुन सत्तार पठान का आदमी है। Thank you.
दिन दहाड़े एक पुलिस ऑफिसर पर इस तरह हमला हो सकता है तो एक आम आदमी की सिक्योरिटी क्या हो सकती है। हमारे पेशे में ये सब कुछ होता रहता है। लेट्स गो। मिस्टर अजय वर्मा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कम इन। कहिए कैसे आना हुआ? मुझ पर ड्रग स्मगलर होने का इल्जाम लगाकर आपने अखबार के पहले पन्ने पर जो मेरी तस्वीर छापी है उसी का शुक्रिया अदा करने आया हूं। मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा। अच्छा किया रोक दिया। वैसे भी ये कुर्सी मेरे बैठने के लायक नहीं। सत्तार पठान सिर्फ दो ही जगह बैठता है, एक वो कुर्सी जिस पर बैठकर वो लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले करता है, और दूसरी मुन्नी बाई के कोठे पर मुजरा सुनने के लिए। तुझ जैसे घटिया आदमी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मैं जिसे भी अपना निशाना बनाता हूं उसकी जन्म कुंडली की जेरोक्स कॉपी अपने पास मंगवा लेता हूं। तेरा बाप रेड लाइट एरिया का एक मामूली गुंडा था जो पुलिस की गोली से कुत्ते की मौत मारा गया। अरे हाय! कलम चलाने वाले के हाथ में रिवॉल्वर देखकर चौंक गया ना। ये गैर कानूनी नहीं है, लाइसेंस है। इससे मैं अपने पास तुझ जैसे दरिंदों से निपटने के लिए रखता हूं। रिवॉल्वर जेब में रख ले, वरना सेल्फ डिफेंस में तुझे मारकर तेरी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूं। मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तुझ जैसे मुजरिमों की गर्दन मैं अपनी कलम की तलवार से काटना चाहता हूं। बहुत घमंड है तुझे अपने कलम की ताकत, लेकिन तेरे कलम की ताकत से तेरा ख्वाब जो जुर्म की दुनिया को खत्म करने का है, वो ख्वाब कभी पूरा नहीं होता, बल्कि तू भी किसी दिन बेमौत मारा जाएगा। कलम की ताकत का अंदाजा तुझ जैसे लोग नहीं लगा सकते। एक सच्चा पत्रकार अपनी कलम से अपने मुल्क और कौम की तकदीर लिखता है, और मरने के बाद इतिहास के पन्नों पर जिंदा रहता है। बेमौत तो तुझ जैसे लोग मारे जाते हैं सत्तार, कभी पुलिस के जरिए तो कभी दुश्मनों के हाथों। जाने से पहले एक मशवरा सुन ले, तेरे लिए अच्छा होगा कि ड्रग्स का धंधा छोड़कर कोई अच्छा काम शुरू कर ले, क्योंकि हराम की दौलत और बाजार की औरत में कोई फर्क नहीं होता। जिस तरह बाजार की औरत कभी भी धोखा दे सकती है, उसी तरह हराम की दौलत कभी भी हाथ से निकल सकती है। और जिस दिन यह दौलत तेरे हाथ से निकल गई, तू सीधा अपने आप को रेड लाइट एरिया में पाएगा, और तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरे बाप का हुआ था। समझ गया ना जो मैं बोल रहा हूं? समझ गया, बहुत अच्छी तरह समझ गया। हाय फ्रेंड्स। हाय। हेलो। हेलो। हाय। हाय। क्या बात है यार, आज तुम सब लोगों ने ये मौन व्रत क्यों रखा है? लुक विशाल, हम लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से अपनी दोस्ती खत्म। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? ये अपने आप से पूछ। जिस आदमी के सीने में पत्थर का दिल हो वो कलाकार नहीं बन सकता। कल मारिया को तमाचा मारकर तूने ठीक नहीं किया। और जो उसने किया वो ठीक था क्या? यार तुम सब तो जानते हो कि आई डोंट लाइक वेस्टर्न कल्चर, और कोई भी लड़की आके मेरे गाल पे किस करके मुझे इंप्रेस नहीं कर सकती। तो उसे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? ये बात तुम उसे प्यार से भी तो बोल सकते थे। यार संजू, कहीं ऐसा तो नहीं अपने विशाल को मारिया से इश्क हो गया? ए, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हां, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो है यार, वरना किसी लड़की पर ऐसे ही हाथ नहीं उठ जाता। देख विशाल, हम लोग तुझे सिर्फ एक ही शर्त पर माफ कर सकते हैं। तुझे मारिया के घर जाकर उसको सॉरी बोलना होगा। और भाई यार, तुम दोस्तों की दोस्ती के लिए मुझे ये शर्त भी मंजूर है। और जितनी भी दवाइयां हैं ना जो मैंने तुम्हें बताई थी वो सब ले चलो, राइट? यस सर। मेरा नाम विशाल है, मैं मारिया से मिलने आया हूँ। क्या वो घर पे है? Oh, so you are Mr. Vishal. Sir. I am Dr. David Gomes, Maria Kankar. Oh. Nice to meet you. Sir, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। भाई तुम्हें यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी। थैंक यू सर। मारिया अक्सर तुम्हारी बातें करती है, बहुत पसंद करती है तुम्हें।
She is very fond of you. बैठो बैठो बैठो। लेकिन सर आप नहीं बैठ सकते सर। क्यों? सर वो डिस्पेंसरी में 19 नंबर पेशेंट की इमरजेंसी है। Oh yes 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 yes. Thanks for reminding me. भाई विशाल मुझे तो डिस्पेंसरी बहुत जल्दी पहुंचने हैं, वरना हम तुम्हारे साथ बैठकर बहुत सी बातें करते। फ्रांसिस। जी साहब। देखो मारिया मेन साहब से कहो कि विशाल साहब उनसे मिलने के लिए आए। अच्छा साहब। ओके विशाल, नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन। इट्स माय प्लेजर सर। टेक केयर। राइट सर। ओके बाय। ओके बाय बाय। अरे चलने को छोड़ बड़ू। I'm sorry, Mariya. कल मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे माफ कर दो। नहीं विशाल, तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। देखो मैं कितनी बदल गई हूँ, लगती हूँ ना प्योर हिंदुस्तानी। एक बात कहूँ विशाल, प्यार तो तुम मुझसे ही करते हो, मगर हमारे बीच जो कल्चर की दीवार थी शायद आज वो गिर गई। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। आओ बेटी, बैठो बैठो। बेटी मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों आंटी, मुझसे क्या गलती होगी? इस शहर में तुम्हारा ट्रांसफर हुए कितने दिन हो गए और आज तुम्हें फुर्सत मिल रही है हमसे मिलने की। I'm sorry आंटी। अच्छा बेटी बताओ गाँव में मम्मी पापा कैसे? अच्छे हैं, वो हमेशा आपको याद करते रहते हैं। अरे हाय किरण। हाय भाभी। I'm sorry भैया, होने वाली भाभी। अचानक तुम यहाँ कैसे? अरे भैया आप भी कमाल करते हैं, ये इन्हीं का तो घर है, यहाँ कभी भी आ जा सकती हैं। क्यों माँ, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक। दरअसल राजेश लिंग का मर्डर केस के बारे में मैं आपसे जरा बात करना चाहती हूँ। ठीक है चलो ऑफिस में बात करते हैं। जी। अच्छा आंटी चलते हैं। ओके बाय भाभी। बाय। अलर्ट निरंजन, हमारी को मजदूरी साना जांबो, हमारी गानी हमारी कमी सुनो, हम जी कमी दे रहे हैं। एक कमी खाए बच्चा, मैं चमी सुनो बच्चा, मैं बेटा। हाँ आइए स्वामी जी पधारिए। फू, अमित के पागलपन के बारे में मैं आपको सब कुछ बता ही चुकी हूँ, कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कीजिए कि वो ठीक हो जाए। कुछ ठीक हो जाएगा बच्ची। हैया हुमा, हैया हुमा। आप बैठिए मैं अभी आती हूँ। हैया हुमा, हैया हुमा, हैया हुमा, उसको घुमा। ये दिल न होता बेचारा कदम न होता। तो ये है जिसे हीरो बनने का चांस नहीं मिला तो पागल हो गया। जय हो महाराज जी। पकड़ इसे, पकड़ लिया, पकड़ लिया। मैंने तुझे बस में कर दिया, अब नहीं छोड़ूंगा। महाराज मेरी गर्दन छोड़िए, मेरा दम घुटा जा रहा है। अरे दम घटेगा नहीं तो बाहर कैसे निकलेगा? मुझे मालूम है कि तू बहुत ही खतरनाक फिल्मी भूत है। बोल इसके शरीर में कहां प्रवेश किया, कबालिस्तान में, फिल्मिस्तान में या कब्रिस्तान में? बता जल्दी से, नहीं तो मैं मेरी मंत्र तंत्र की विद्या से जलाकर भस्म कर दूंगा। बता। अरे अरे स्वामी जी ये अमित नहीं, ये मेरा नौकर नंदू है। तो फिर अमित कहाँ है? वो वहाँ अंदर है। ला खोपड़ी मेरे हाथ में दे। हमारी को मजूरी साना। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। मुझे किस के हाल में तुम तो अकेला छोड़ जाते हो। ओ खिलौना जान कर तुम तो नाद तोड़। बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक हैं ये, देखना इनके चमत्कार से अमित यूं ठीक हो जाएगा। हमारी को मजूरी साना, हमारी जम्बो चिबाइयो कुको भैया या कुको निकाला कुको भैया कुबुआ इबा सुबा लिखो में सेबा। ये क्या देख रहा हूँ मैं, आंखें हीरो की और रोल तांत्रिक का? क्या मतलब? तेरी आंखों में जो बात है। आ हा हा, तू तो बड़े से बड़े हीरो की छुट्टी कर सकता है, फिर तूने ये
छोटा सा तांत्रिक का रोल कबूल क्यों किया? है? जीवन में पहली बार मुझे किसी ने सही पहचाना है। तुम मेरे असली कदरदान हो, असली कदरदान हो तुम। मैं हीरो बनने ही आया था, लेकिन मुझे चांस नहीं मिला, इसलिए पापी पेट को पालने के लिए तांत्रिक बन के लोगों को टोपियां पहनाने लगा। क्या सचमुच में मैं असली हीरो को भगा सकता हूँ? अरे ऐसा वैसा भगाओगे क्या? चेहरा तुम्हारा आमिर खान जैसा, बॉडी देखो तुम्हारी गोविंदा जैसी, चाल तुम्हारी अमिताभ बच्चन जैसी। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मुझे हीरो बनाएगा कौन? मुझे चांस कौन देगा? एक नहीं, तीन चार हैं लोग जो आपको चांस देने के लिए रेडी हैं। भाई साहब आप आइए ना इधर। मालिक इसे गोविंदा बनाऊं या अमिताभ बच्चन? नहीं, पहले बड़े मियाँ उसके बाद छोटे मियाँ। एक्शन! डार्लिंग तुम ठीक तो हो ना? खिलौना जान कर तो हो, पागल का पागल ही रहा मालिक। इधर आओ भाई साहब। जी मालिक। छोड़ जाते हो। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लाया हूँ नागेश लिंका। पत्रकार अजय कुमार की मौत की खबर लाया हो क्या? लेकिन उसकी जिंदगी और मौत के बीच बहुत ही थोड़ा फासला रह गया है। मेरा भाई अनवर हांगकांग से वापस आ गया है। कुछ ही दिनों में तुम्हें यह खुशखबरी मिल जाएगी कि पत्रकार अजय बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। नहीं सत्तार भाई, नहीं, मैं उसकी मौत नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जिंदा रहे, लेकिन मौत से भी बदतर जिंदगी गुजारे। हाथ पैर तुड़वा कर उसे अपाहिज बना डालो, ताकि जेल से छूटकर मैं जब वापस आऊं तो उसे बताऊं जिन बैक्साकियों के सहारे वो चलता फिरता है, मैंने उसे तोहफे में दिए। ठीक है नागेश, जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। चलता हूं। हेलो, मैं किरण बोल रही हूँ। कमिश्नर साहब ने जो मुझे फाइल दी है उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात है? कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक है ना? फोन पे मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, जितनी जल्दी हो सके प्लीज मेरे घर आ जाना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। किरण, किरण, ठीक हो तुम? हाँ। कौन थे वो लोग? पता नहीं, शायद नागेश सिंह के लोग थे। अजय, अच्छा हुआ जो तुम वक्त पे आ गए। देखो मेरे साथ साथ में करना। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू। आखिर क्या बात है यार, तू बड़ा अपसेट दिखाई दे रहा है। मारिया के साथ कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं यार, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पिताजी हैं। ही इज अ टिपिकल ब्राह्मण, 100 साल पुराने ख्याल आते हैं उनके। इस कंप्यूटर एज में भी वो जात पात की बातों में विश्वास रखते हैं। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एक तो मैं पहले से उनकी नजरों में नालायक हूँ, और ऊपर से जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि मैं मारिया नाम की क्रिश्चियन लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, तो मालूम है क्या होगा?
बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे वो घर पे। फिर तुमने क्या सोचा है? I mean, अगर तुम्हारे पापा मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो तुम क्या करोगे? लुक मारिया, प्यार का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा होता है, और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। वक्त आने पर मैं अपने पिताजी का घर भी छोड़ सकता हूँ। आई लव यू विशाल। आई लव यू टू मारिया। मुझे ये जानकर खुशी हुई बेटी कि विशाल तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, और तुम्हें पाने के लिए वो अपने पिता से बगावत भी कर सकता है। मगर बेटी, वो शादी जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ होती है, समाज उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखता। नहीं, मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि तुम्हें पाने के लिए विशाल अपना घर छोड़ दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा प्यार बदनाम हो जाएगा बेटी। लोग तो यही कहेंगे ना कि एक लड़की के प्यार में पागल होकर बेटे ने अपने बाप का घर छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल, आप ही बताइए मैं क्या करूं। तुम फिक्र न करो बेटी, मैं आज ही खुद विशाल के घर जाकर उसके बाप से तुम्हारे और उसके रिश्ते की बात करूंगा। डोंट वरी माय चाइल्ड, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। मुझे देव प्रकाश जी से मिलना है। कहिए, मैं ही देव प्रकाश हूं। ओह आई सी। मेरा नाम डेविड गॉम्स है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कहिए क्या बात है। विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, आई वॉन्ट टू कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। मेरी भतीजी और आपका छोटा बेटा विशाल एक दूसरे से प्यार करते हैं। जी जी। क्योंकि मैं लड़की वाला हूं, इसलिए उसकी शादी की बातचीत करने के लिए मैं खुद आपके पास चला आया। लेकिन एक क्रिश्चियन लड़की हमारे परिवार की बहू कभी नहीं बन सकती। देखिए देव प्रकाश जी, जमाना आजकल बिल्कुल बदल चुका है, और फिर जात पात के नाम पर दो प्यार करने वालों की बलि चढ़ा देना हेवारियत है। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर डेविड। मेरे ही घर में आकर आप मुझे गाली दे रहे? दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ गई हो, लेकिन मेरे परिवार की मान मर्यादा अपनी जगह अटल है। प्लीज अपने बेटे के प्यार के रास्ते में दीवार मत बनिए, वरना पछताएंगे आप। मिस्टर डेविड, मैं आपकी बकवास नहीं सुनना चाहता, आप प्लीज यहां से चले जाइए। आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। चिल्लाइए मत मिस्टर डेविड, मैं आपकी असलियत समझ चुका हूँ। आपकी भतीजी जरूर आवारा और बच्चलन होगी, और उसको आपकी बिरादरी में लड़का नहीं मिल रहा होगा, इसलिए आप उसे मेरे लड़के के गले में बांधना चाहते हैं। बस enough is enough। देव प्रकाश, जिसमें जरा सी भी शराफत होती है ना, वो एक वैश्या को भी वैश्या नहीं बोलता, और तुमने मेरी भतीजी को आवारा और बच्चलन कहा? अरे तू अपने आप को समझता क्या है? मैं अपनी भतीजी की शादी बहुत जल्द अपने बिरादरी में इतनी शान और शौकत से करूंगा कि तमाम दुनिया देखती रह जाएगी, और उसमें मैं तुझे भी बुलाऊंगा। हाँ, याद रखना। अंकल, आप तो विशाल के घर गए थे ना, क्या बात हुई उसके पिता से? आप चुप क्यों हैं अंकल, बताइए ना क्या हुआ? बेटी, मैं रेगिस्तान में फूल की तलाश करने गया था, अंधों की दुनिया में रोशनी की बात करने गया था। वो घर ऊंच नीच, भेदभाव और खोखली मान मर्यादा का कब्रिस्तान है, जहां तुझे तेरी खुशियां कभी नहीं मिल सकती। बेटी, तुम्हें विशाल को भूलना होगा। नहीं, ऐसा मत कहिए अंकल, ये नामुमकिन है। देखो बेटी, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी मोहब्बत या थोड़ी सी इज्जत है, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। बात बहुत बिगड़ चुकी है, विशाल के बाप ने गालियों का तोहफा मुझे दिया है, उसका सिर्फ यही जवाब है। अब तुम्हारी शादी अपनी ही बरादरी में होगी। मैंने उस देव प्रकाश को दिखाना है कि हमारी कम्युनिटी में भी बहुत लड़के हैं, इसलिए मैंने अपने दोस्त सूजा के बेटे अल्बर्ट के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? विशाल। जी डैडी। ये मारिया गोम्स कौन है? पिताजी, वो एक मेरी दोस्त है।
उसके अंकल यहाँ तुम्हारे और मारिया के रिश्ते की बात करने आए थे। पिताजी, मारिया अच्छे खानदान की लड़की है और मैं उससे मोहब्बत भी करता हूँ। अगर उसके अंकल यहाँ मेरे उसके रिश्ते की बात करने आए थे तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हारी नजरों में शायद कोई बुराई नहीं, लेकिन हम आज भी धर्म और संस्कृति से इस तरह जुड़े हैं जैसे शरीर से आत्मा जुड़ी होती है। एक क्रिश्चियन परिवार की लड़की इस घर की बहू किसी भी कीमत में नहीं बन सकती। पिताजी, मैं इन जात पात की बातों में विश्वास नहीं करता। विशाल, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपने पिता से इस तरह से बात की जाती है? तुम बीच में मत बोलो, इसने तो अपनी बात समझा दी, अब कुछ बातें मैं भी इसे समझा देता हूँ। देखो विशाल, इस घर के सारे फैसले आज तक मैं करता आया मैं, और अगर तुम्हें अपनी मर्जी से जीना है तो ये घर छोड़ना होगा। बस बस एक यही हथियार है आपके पास कि घर छोड़कर चला जा? अरे, अपनी जिद के लिए औलाद की खुशियों का गला कोई घोटता है? और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं, ठीक है, चला जाऊंगा मैं घर छोड़ के। विशाल, जाओ अपने कमरे में जाओ। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, विशाल ना समझे, मैं उसे समझाऊंगा। उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दूंगा जिससे आपकी भावना को ठेस पहुंचे। I'm sorry। भैया, आपने मुझे जो तमाचा मारा उसका जरा भी अफसोस नहीं है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि पिताजी कितने पुराने ख्याल के आदमी हैं, और उनकी खुशी के लिए मैं अपने प्यार का गला नहीं घोट सकता। मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं हूं विशाल, लेकिन प्यार के जुनून में तुम्हें अपना कल्चर भूलना नहीं चाहिए। तुमने जिस तरह से पिताजी से ऊंची आवाज में बात की है, तुम्हें मालूम है उनके दिल पे क्या बीती होगी। भैया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन उन्होंने भी तो डिक्टेटर की तरह अपना फैसला सुना दिया, घर से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। चाहत पर इंसान का बस नहीं है भैया, और मोहब्बत जात पात नहीं देखती। मगर ये बात पिताजी को कौन समझाएगा? समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो बात हम एक दूसरे को समझा नहीं सकते, समय समझा देगा। थोड़ा इंतजार कर, मुझे यकीन है कि पिताजी का दिल बदल जाएगा और वो मारिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे। रिलैक्स, चल खाना खा ले। नहीं भैया। चल। क्या बात है मारिया, ये लोग डिस्टर्ब? अंकल ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। तो क्या तुम मुझे अपनी शादी का इनविटेशन देने आई हो? प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो विशाल। क्या कहना चाहती हो तुम मुझे? जहाँ कहीं भी तुम्हारे अंकल ने तुम्हारा रिश्ता तय किया है, क्या उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है? अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? मैं अंकल की बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए उनके सामने कुछ बोल ना सकी, और तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तो तुम चाहती क्या हो? यार, तू इससे क्या पूछ रहा है? ऐसी हालत में एक ही रास्ता है, तुम दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। रोहित ठीक कह रहा है विशाल, अंकल को हम बाद में किसी भी तरह मना लेंगे। मारिया ने विशाल के साथ शादी कर ली, लेकिन उसने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। ठीक ही किया उसने, उसकी अपनी लाइफ है, वो अपना अच्छा भला खुद ही सोच सकती है। और फिर मैं कौन होता हूं उसकी जिंदगी पर हुकूमत करने वाला? आप उसे गलत समझ रहे हैं अंकल, वो आपकी बहुत इज्जत करती है। लेकिन वो मजबूर थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो आने वाला तूफान था उसे रोकने के लिए यही एक रास्ता था। मारिया की शादी कहीं और करके आप उसकी जिंदगी आबाद नहीं कर पाते अंकल, बल्कि वो शादी उसके लिए एक जिंदा मौत होती। रिश्ते तो भगवान के घर से ही बनकर आते हैं सर, इस शादी को कुदरत का फैसला समझ के कबूल कर लीजिए। और फिर सर, आपके आशीर्वाद के बिना तो ये शादी अधूरी कहलाएगी। प्लीज सर, प्लीज मारिया को माफ कर दीजिए। लेकिन वो दोनों हैं कहाँ? वो दोनों हमारे साथ आए हुए हैं, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ।
सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं तुम लोगों से बिल्कुल नाराज नहीं हूं। तुमने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। अरे मैं ही अनजाने में तुम दोनों की खुशियों की चिंता जान जा रहा था। तुमने मुझे बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया बेटी। God bless you, God bless you, God bless you my children। भैया भैया मैंने वो आपसे एक बात करनी थी। बोलो। भैया मैंने वो मारिया के साथ शादी कर ली है। मैं जानता हूं कि आपके दिल पे बहुत ठेस पहुंचेगी भैया, मगर मैं मजबूर था। मारिया के अंकल ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, तो मुझे मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। मारिया के अंकल को इसके बारे में पता है? हाँ भैया, उन्हें तो शादी कबूल है, मगर जब तक माँ और पिताजी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा मैं इस शादी को अधूरा समझता हूँ। पिताजी से तो बात नहीं कर सकता, आप ही उन्हें मना सकते हैं। आप उन्हें मना लीजिए ताकि मारिया को घर ला सकूं। तो फिकर मत कर, मैं पिताजी से बात करूं। थैंक्स भैया, सब ठीक हो जाएगा। जा मारिया को लेकर आ। हाँ भैया। नहीं, मैं किसी भी कीमत में उस लड़की को इस घर में घुसने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम उसकी तरफदारी मत करो अजय। अरे हमारे परिवार में किसी ने भी आज तक रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाके शादी नहीं की, कभी नहीं। हम आज तक समाज में सर उठाकर जीते आए। कल जब सब लोगों को इस शादी के बारे में पता चलेगा तो हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। जिस औलाद के दिल में मां बाप के लिए आदर मान नहीं होता, वो औलाद औलाद कहलाने के काबिल नहीं होती। हम आज से सोचेंगे कि हमारा एक ही बेटा है बस। पिताजी ठंडे दिमाग से काम लीजिए, जो होना था वो तो हो गया। आप क्या समझते हैं, अगर आपने विशाल को घर में आने नहीं दिया तो क्या हमारे परिवार की ज्यादा बदनामी नहीं होगी? लोग विशाल और मारिया की शादी को गिरी हुई नजरों से नहीं देखेंगे। आप कुछ भी कहिए, वो जहां भी रहेगा आप ही का बेटा कहलाएगा और मारिया आपकी बहू कहलाएगी। मेरी राय तो यही है कि आप विशाल को माफ कर दें और मारिया को अपनी बहू स्वीकार कर लें। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक। पिताजी, पिताजी मारिया। खुश रहो। माँ मारिया। खुश रहो, सदा सुखी रहो। पिताजी अब शायद आप मुझे माफ कर देंगे। मारिया मेरे बड़े भैया अजय भैया। राजेश की दोस्त। जो कुछ भी तुमने देखा है उसे भूल जाओ। किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम मेरे भाई की बीवी बनकर मेरे घर में आई हो, लेकिन मैं मजबूर हूं। तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। आ, आ, आ,
बिच फस गई मेरी जान, तेरी अखियन बिच फस गई मेरी जान, सुन मेरे यारा रे ओ तुम तारा रे, बड़े जवान लग रहे हैं। डॉक्टर साहब बूढ़े लगते हैं क्या? अरे भाई, आदमी वही लगता है जो वो होता है। हम जवान हैं इसलिए हम जवान लगते हैं। और ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। सर, मेरे ख्याल से अभी आपको अपनी जवानी पे ज्यादा जुल्म नहीं ढाना चाहिए। फौरन कोई अच्छी सी औरत देख कर, भले ही वो डाइवोर्स ही हो या बेवा हो, आपको शादी कर लेनी चाहिए। क्यों, क्या डॉक्टर साहब को कुंवारी लड़की नहीं मिल सकती क्या? चुप करो। मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था और तीन लड़कियां इंटरव्यू के लिए नीचे आ चुकी हैं। तीन? चलो 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 चलो, लेट्स गो फॉर द इंटरव्यू। सर, यू डोंट वरी सर, सबसे बढ़िया लड़की आपके लिए सेलेक्ट करेंगे हम। आखिर आपकी शादी का सवाल है। चुप कर यार तू। मनमोहन, तुम जाकर एक एक लड़की को अंदर भेजो। Yes, जाओ। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, आप लोग एक एक करके आइएगा, पहले आप चलिए। हेलो सर। हेलो हेलो, प्लीज सिट डाउन। हाँ, आपका नाम? सरिता अग्निहोत्री। सरिता जी, इस वक्त आपकी उम्र क्या होगी? यही कोई 27-28 साल जी। हाँ, लेकिन इतनी देर तक आपने शादी क्यों नहीं की? शादी तो मैंने की थी, शादी के एक साल बाद तलाक हो गया। वेरी सैड, लेकिन तलाक की वजह क्या थी? मेरे पति एक लड़की के चक्कर में फंस गए। ओ। और मैंने उनसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली। गुड, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपकी दूसरी शादी कितने दिन तक चली? सिर्फ 6 महीने। उसके बाद डिवोर्स हो गया। डिवोर्स? इस बार डिवोर्स की क्या वजह थी? इस बार मेरा चक्कर किसी और मर्द के साथ चल पड़ा था, इसलिए उसने मुझसे तलाक ले लिया और मैंने तीसरी शादी कर ली। तीसरी? मतलब शादी करने के मामले में तो आपने कमाल ही कर दिया। ये तीसरी शादी में आपको क्या प्रॉब्लम हो गई थी? मेरे पति बच्चा चाहते थे और मुझे बच्चा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपना फिगर मेंटेन रखना चाहती थी। यू आर राइट, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। कैसे लगी औरत सर आपको? ये भी कोई औरत है? अरे ये तो औरत के नाम पर कलंक है, कलंक।
ऐसी औरत से शादी करने के बजाय बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी कवारा बैठा रहूं। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू। आपका नाम? जेजी फर्नांडिस। मैडम अभी तक आपकी कितनी शादियां हो चुकी हैं? व्हाट, मेरी अभी तक एक भी शादी नहीं हुई है, मैं अभी तक कवारी हूँ। सर ये लड़की आपके लायक नहीं, ये तो मेरे लायक है। शट अप। फिर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं किसी से प्यार करती थी लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डच कर दिया। ओह। तब मैंने यही सोच लिया था कि अब मैं पूरी लाइफ मैरिज नहीं करूंगी। लेकिन फिर अचानक आपके दिमाग में शादी का ख्याल कैसे आया? आई हैव अ बेबी किड, वो अभी 4 साल की हो गई है, उसको स्कूल में एडमिशन करवाना है। यू नो स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए तो आई नीड अ फादर्स नेम। राइट, सर अभी स्कूल में तो बाप का नाम लगेगा ना, इसीलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। राइट राइट। मगर मगर आपकी तो शादी नहीं हुई, फिर ये बेबी, बेबी कहाँ से आ गई? बेबी मेरे प्यार की निशानी है। वाह वाह वाह, ग्रेट, आप कितनी महान है, तुम्हारी माँ बन के आपने प्यार करने वाली लड़कियों को एक नई दिशा दिखाई है। थैंक यू। अच्छा अच्छा, अब आप जाइए। थैंक यू। थैंक यू सर, ये लड़की वाकई महान है सर, आपको उसे शादी कर लेनी चाहिए, साथ में बच्चा भी ले आएगी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारी नजरों में ये लड़की महान है तो तुम क्यों नहीं बन जाते उसके नाजायज बच्चे के बाप? है सर, तीसरी आ गई। आपका नाम? मेरा नाम रश्मि चौधरी है। शक्ल से तो आप कुमारी लगती है। कुमारी हूँ भी और नहीं भी। क्या मतलब? मेरी शादी हो चुकी थी मगर सुहागरात मनाने से पहले मैं बेवा हो गई। Very sad. और ये हुआ कैसे? सुहागरात के दिन जैसे ही मेरे पति ने चेहरा देखा और बेहोश हो गए। मैंने जब हाथ लगाकर देखा तो वो भगवान को प्यारे हो चुके थे। यानी कि मैं पहली रात को वो इस दुनिया से चल बसे। बड़ा जुल्म किया भगवान ने आपके साथ, भरी जवानी में आपको बेवा बना दिया है मैडम। तो मैं आपके साथ ये रिश्ता पक्का समझूं? डोंट वरी सर, मैं बात करता हूँ मैडम, हम आपको चिट्ठी लिख के इत्तला कर देंगे, लेकिन फिलहाल आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। सर ये लड़की तो कमाल की है सर, कमाल लड़की है सर, बेवा होने के बावजूद भी कुंवारी है। सर आप इसके साथ शादी कर ही जाएं। उल्लू का पट्टा। किशनलाल, राजेश कहाँ है? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं राजेश का दोस्त हूँ समीर। पहचान लिया साहब, आइए बैठिए, मैं साहब को फोन करता हूँ। हाँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मैंने किया क्या है? अबे क्या किया, पुलिस स्टेशन में तेरे को पता चलेगा। अरे सुनिए तो। मुझे नहीं मालूम मैडम, मुझे नहीं मालूम, मुझे मुझे नहीं मालूम मैडम, मुझे 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 नहीं मालूम मैडम, मुझे मुझे नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो मैडम, मुझे नहीं मालूम मैडम, मुझे नहीं। मैं मर जाऊंगा मैडम, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो। मैं बताता हूँ। उठ उठ, आई से गेट अप, इधर आ। नहीं मैम। इधर आ। नहीं मैम। इधर आ। मैंने कुछ नहीं किया मैम, नहीं। नहीं। अब मेरी बात का भरोसा कीजिए इंस्पेक्टर, मैंने राजेश का खून नहीं किया। 13 जून की रात तुम राजेश से मिलने गए थे और उसके साथ शराबी पी थी। जी।
याद आया, उस रात राजेश से मिलने एक लड़की भी आने वाली थी। तुम उस लड़की को जानते हो? नहीं, मैं सिर्फ एक बार 31st night की पार्टी में मिला था। उसका नाम और पता मुझे नहीं मालूम। अगर उस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो मुझे बताओगे? जी। और जब तक इस केस की इंक्वायरी पूरी नहीं होती, तुम इस शहर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है मैडम, ओके। इंस्पेक्टर, यस, नाउ यू मे गो। ओके मैडम। ओके, देखो किरण, तुम इस केस में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रही हो। यू आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद दिस केस। ये ऑब्सेशन नहीं है अजय, एक जुर्म, संगीन जुर्म का मामला है। माना कि मरहूम एक खतरनाक अपराधी का भाई था, माना उसका खून हुआ है। मैं इस केस को एक मरे हुए आदमी की फाइल समझकर बंद नहीं कर सकती। राजेश लिंका के खूनी को मैं छोड़ूंगी नहीं। और सच तो ये है, अब ये केस मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका है। मैं किसी भी कीमत पर कातिल को कानून के कटघरे में लाऊंगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं जो अपने पीछे जुर्म का निशान कभी नहीं छोड़ते। मगर इस केस में ऐसा नहीं है। समीर के बयान के बाद इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। कातिल अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। 13 June की रात राजेश लिंका को मिलने के लिए एक लड़की आई थी। अब मुझे सिर्फ उस लड़की की तलाश है। कानून के हाथ और कातिल के गर्दन के बीच ज्यादा दूरी नहीं है। अच्छा अजय, अब मैं चलती हूँ। बाय, सी यू। मारिया, मैं जानता हूं इस घर में आने के बाद तुम एक कश्मकश की जिंदगी में फंसी हुई हो। हर पल हर दिन राजेश का कत्ल तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है, और शायद तुम्हारा जमीर तुम्हें सच बोलने के लिए भी मजबूर कर रहा है। तुम्हारे जहन में बार बार यह सवाल उठता होगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, एक पत्रकार हूं, फिर मैंने कत्ल जैसा संगीन जुर्म कैसे किया, है ना? बिल्कुल ठीक समझा है आपने। ये सवाल मुझे अक्सर परेशान करता रहता है अजय भैया। आज तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा मारिया। मेरी बहन दिशा राजेश से बहुत प्यार करती थी। दिशा, उठो बेटी, कॉलेज जाना है ना? उफ़, अब इतनी देर हो गई फिर भी सो रही हो? दिशा, दिशा, उठ, उठ बेटी, उठ। क्या हो गया तुझे? दिशा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? बेटी, क्या हुआ तुझे? विशाल, अजय, अजय जल्दी आओ। अजय भैया, मैं अपने पूरे होश और हवास में ये चिट्ठी ले रही हूँ। मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ, इसलिए मेरी मौत का जिम्मेदार किसी को ना ठहराया जाए। आपकी दीर। क्या कह रहे हो रजनी? प्यार में धोखा खाने की वजह से दिशा ने खुदकुशी कर ली? वो राजेश लिंका के बच्चे की माँ बनने वाली थी। कल रात दिशा मेरे पास आई थी और बहुत रो रही थी। राजेश मेरी बहन का हत्यारा था। कानून के जरिए मैं उसे मौत नहीं दिलवा सकता था, इसलिए मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। राजेश के लिए सजाए मौत मेरी अदालत का फैसला था।
मैं मानता हूं कि कानून की नजरों में मैं एक मुजरिम हूं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं। मेरी नजर में तो आपने कोई जुर्म नहीं किया राजेश, जैसे राक्षस का यही अंजाम होना चाहिए था। मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए, पुलिस के सामने मेरी जबान कभी नहीं खुलेगी। मैं इंस्पेक्टर भिंडे, खाता हूँ 6-6 अंडे और तुम जैसे लफंगों को मारता हूँ लंबे चौड़े डंडे। नमस्कार इंस्पेक्टर भिंडे। मालिक आप, मैंने सोचा आप सचमुच इंस्पेक्टर हैं। अबे घोचू के, इंस्पेक्टर की वर्दी पहनूंगा तो इंस्पेक्टर ही दिखूंगा ना, कोई डॉक्टर तो नहीं। लेकिन मालिक आपने मेरा गिरेबान क्यों पकड़ लिया? ये समझाने के लिए कि दुनिया के अंदर हर इंसान एक एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ, तुम भी एक्टर हो। मालिक मैं एक्टर बन सकता हूँ? अरे अपना चेहरा तो देखो, आ बिल्कुल शाहरुख खान दिखता है। लेकिन मेरा बाप तो मुझे मूर्ख खान बुलाता है। आज के बाद नहीं बुलाएगा, आज के बाद तुमको बुलाएगा मिक्सचर खान। मिक्सचर खान? वो कैसे? चेहरा तुम्हारा बिल्कुल शाहरुख खान जैसा, बॉडी तुम्हारी बिल्कुल सलमान खान जैसी, चाल तुम्हारी बिल्कुल आमिर खान जैसी, तो हो गया ना मिक्सचर खान। मैं हूँ मिक्सचर खान। अच्छा एक बात तो बताओ, ये फिल्मों में फाइट कैसे होती है? देखना चाहते हो? हाँ। बन जाओ एक्टर। अबे ओ जवानी के सड़े इंस्पेक्टर, इधर आओ जल्दी से, मेरे मुंह पर गुस्सा मारो। अबे सोच क्या रहा है, ये लो तुम्हारी रिश्वत, अब तो मार। रिश्वत? मार। आला रे आला, इंस्पेक्टर भिंडे आला, हाथ में लेकर कानून का ताला। क्या हुआ नंदू, क्या हुआ? अरे मैडम आशा आपको होगी निराशा, अमित बाबू ये मेरी आलम करके चले गए। चले गए? ओह माय गॉड, कहाँ जा सकते हैं? क्या औरत को मारते देखो शर्म नहीं आती? अभी साहब बताएंगे तेरे को। क्या हुआ साहब? ये अपनी औरत को हमेशा मारता रहता है साहब। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सामने शर्म नहीं आती? अपनी धर्म पत्नी पे हाथ उठाते हो, एक औरत पे हाथ उठाते हो, भूल गए जो तुम्हारी बहन है वो भी एक औरत है, जो तुम्हारी माँ है वो भी एक औरत है, अगर उस पर कोई ऐसा जुल्म करेगा तुम्हें कैसे लगेगा? बंद कर दो इसको, बंद कर दो इसको। क्या हंस रहा है? ये यमदूतों की तरह मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? यमदूत? अबे ओ फिल्मी भूत, मैडम आशा ने तुम्हें कितना समझाया था अकेले घर से बाहर मत जाना, और तुम मुझे एक्टिंग के पेंतरे सिखाते सिखाते घूंसा मारकर भागाए। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं किसी आशा निराशा को नहीं जानता। मेरा नाम है इंस्पेक्टर अर्जुन पवार, जो दुश्मन के लिए है कानून की तलवार। अरे गुरु तुम तो बहुत बड़े एक्टर बन गए, ये जो तुम्हारे डायलॉग है ना पुलिस पब्लिक और कानून वाले, ये मैडम के आगे सुनाना। चलो इसे। बहुत महंगा पड़ेगा, चलो चलो ले चलो चलो, बताता हूँ तुमको। अबे ओ बर्बाद वाणी मनमोहन, अच्छा हुआ तू सामने आ टपका, जल्दी से डॉक्टर साहब को फोन लगा और बता कि अमित साहब को फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया है। डॉक्टर साहब मुंह तो खोल दीजिए, ये कुछ कहना चाहता है। खोल दो। तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे, अगर मैंने भी तुम लोगों को हवालात की हवा नहीं खिलाई तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर पवार नहीं। मुझे खोलो तुम लोग, खोलो तुम लोग। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि इसको शॉक देना पड़ेगा। थैंक यू राइट। डॉक्टर साहब मैं लगा दूं। शट अप। अबे उजड़े चमन के सूखे हुए फूल, तुझे कितनी बार कहा है कि बीच में मत बोला कर, लेकिन अपनी लाल चोंच हिलाए बिना तुझे चैन नहीं मिलता। बोथ ऑफ यू शट अप, गिव मी। डॉक्टर साहब नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो इंस्पेक्टर की एक्टिंग कर रहा था। अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से शॉक देने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। थैंक यू ठीक है मिस आशा,
लेकिन आप दो दिन तक इसे इसी हालत में रखिएगा, वरना इसे पागलपन का दौरा फिर पड़ सकता है। क्या? दो दिन तक मैं बंदा रहूंगा? ओके डॉक्टर। कम ऑन डॉक्टर, लेट्स गो। हेलो, हे डॉक्टर, हे। क्या बात है, इन दिनों काफी परेशान रहती है। मेरी तो एक ही परेशानी है अजय, राजेश लिंग का मर्डर केस। ये केस मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका है। कभी कभी डरती हूँ अगर ये केस सॉल्व करने में नाकाम रही तो ये केस मेरे कैरियर में एक दाग बन जाएगा। कुछ बताया इसने? नहीं मैडम, कुछ नहीं बताया। बोल, अजय को मारने के लिए तेरे भाई सत्तार पठान ने भेजा था ना तुझे? नहीं। झूठ बोलता है कमीने। अगर तुम्हारे भाई ने नहीं भेजा तो किसने सुपारी दी थी? बोल, किसने सुपारी दी थी? मुझे किसी ने सुपारी नहीं दी थी। तुम ऐसे नहीं बोलोगे। पुलिस की थर्ड डिग्री टॉर्चर तुमने सिर्फ सुना होगा, देखा नहीं होगा। मैं अभी दिखाती हूँ। अजय को मारने के लिए मुझे नागेश लिंका ने सुपारी दी थी। अजय वर्मा, मेरे भाई को गिरफ्तार करवा कर तुमने ठीक नहीं किया। मेरा भी यही ख्याल है, उसे पुलिस के हवाले करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि ऐसे मुजरिमों को भरे बाजार में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, ऐसा करने का कानून इजाजत नहीं देता। मैं तुमसे यहाँ बहस नहीं करने आया हूँ, तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि मेरा भाई कोई किराए का कातिल नहीं है, और उससे तुम्हें जान से मारने के लिए नागेश लिंका से कोई सुपारी नहीं ली थी। उसने सुपारी ली थी या नहीं, ये फैसला तो अब अदालत में होगा। लेकिन अदालत से पहले मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, और वो फैसला तुम्हें सुनाने आया हूँ। तुम पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान बदलोगे ताकि मेरा भाई छूट जाए, वरना तुम्हारी जेब में जो रिवॉल्वर है वो तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की हिफाजत के लिए काफी नहीं है। तुम रोज कार से अपने घर जाते हो ना, हो सकता है कि तुम्हारी कार में एक दिन बहुत ही जबरदस्त धमाका हो और तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएं जिन्हें चुनकर तुम्हारा अंतिम संस्कार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाए। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें सारी बातों का जवाब मिल चुका है। गेट आउट। जा रहा हूं, लेकिन ये थप्पड़ उधार रहा। आई सेड गेट आउट। गुड मॉर्निंग मैम। तुम? आपके लिए गुड न्यूज है किरण जी, उस लड़की का पता चल गया है।
जो 13 जून की रात राजेश को मिलने आने वाली थी। ये फोटोग्राफ मैं अपने एक दोस्त के एल्बम से निकाल कर लेकर आया हूँ। ये देखिए, यही है वो लड़की जिसे उस रात राजेश ने अपने बंगले पर बुलाया था। अरिशो, ये वही लड़की है? यस, मुझे अच्छी तरह पता है। माय गॉड, 31st नाइट की पार्टी में राजेश ने मुझे इसे मिलवाया था। जून को मारिया घर पे थी, ये घर से बाहर थी, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा कमिश्नर साहब। देखिए मिस्टर डेविड, दिमाग पर जोर देकर सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे किसी की मौत और जिंदगी का सवाल है। ओ यस, आई रिमेम्बर नाउ, अब मुझे याद आया है। 13 जून को मारिया के एक दोस्त राजेश लिंका की बर्थडे पार्टी थी, वो वहां गई थी। यस। हेलो इंस्पेक्टर किरण, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। डॉक्टर डेविड के बयान के मुताबिक उनकी भतीजी मारिया 13 जून की रात को राजेश लिंका की बर्थडे पार्टी में गई थी। यस, तुम उसे अरेस्ट कर सकती हो। ओके सर। सोच रहे किरण, मारिया अजय की घर की बहू है, अगर तूने उसे अरेस्ट किया, पता है अजय की कितनी बदनामी होगी? और अगर मैंने उसे गिरफ्तार नहीं किया तो ये फर्ज के साथ गद्दारी होगी। जिंदगी में फर्ज ही सब कुछ नहीं है। ये मत भूल कि कल उसी परिवार में तुम्हें भी बहू बनकर जाना है। उस घर की मान मर्यादा के लिए तुम्हें अपने फर्ज को भूलना ही होगा किरण। मगर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। वर्दी के साथ मेरा जो रिश्ता है, उसके सामने दुनिया के सारे रिश्ते छोटे और कमजोर नजर आते हैं। तो क्या फर्ज के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दोगी? तू अजय के बगैर जी पाएगी? अजय तेरा प्यार है किरण। ये दिल ना होता बेचा। ए, सलूट क्यों मारा? क्यों मारा सलूट? मैं कोई तुम्हारा सीनियर हूं जो मुझे सलूट मार रहे हो? आज के बाद इस पुलिस स्टेशन में कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, सब बराबर। मैं तुमको सलूट मारता हूँ। तू भी सलूट मारा? मैं इनको मना कर रहा हूँ, तू सलूट मार दिया। तेरे को मालूम है कि आज हमने एक फिल्म साइन की। क्या साइन किया? तू मेरे साथ पिक्चर में काम करेगा? नहीं, मैं काम नहीं करेगा, मैं ड्यूटी करेगा। हा, हा, हा। आज की शूटिंग में मेरे साथ मालूम है कौन है? कौन? कादर खान साहब। हम जा रहे हैं शूटिंग पे। ए, बंद करो ये पुलिस स्टेशन, हम शूटिंग पे जा रहे हैं। बंद करो ये पुलिस स्टेशन। हा, हा, हा। कौन बनेगा करोड़पति? मैं बनेगा करोड़पति। शूटिंग यहाँ पे करंट में रहेगी। लॉन्ग शॉट ले लेना। शॉट दिखाइए मुझे, क्या है फाइल दिखाइए। हाँ, एक मिनट, अरे ट्रॉली लगा ली। हाँ ठीक है, मैं आपको लॉन्ग शॉट पहले ले। हाँ यार, भोला भाला सीधा सादा दिल था मेरा चंगा, रंग बिरंगी दुनिया देखे करता है अब दंगा, हर करता है अब दंगा। भोला भाला सीधा सादा दिल
के करता है अब दंगा। और भोला भाला सीधा साधा दिल था मेरा चंगा, रंग बिरंगी दुनिया देखे करता है अब दंगा। दिल जलता है जैसे पतंगा, डोले 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 दिल डोले ले ले तू भी पंगा पंगा ले ले तू भी पंगा। क्यों उल्टी बहती गंगा रे भाई उल्टी बहती गंगा, डोले 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 दिल डोले ले ले तू भी पंगा पंगा ले ले तू भी पंगा। मामला ऐसा टेढ़ा अब पार हो कैसे बेड़ा, दुनिया डाले अड़ंगा भैया दुनिया डाले अड़ंगा। डोले 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 दिल बोले ले ले तू भी पंगा पंगा ले ले तू भी पंगा। डोले दिल बोले ले ले तू भी पंगा पंगा ले ले तू भी पंगा। और भोला भाला सीधा साधा दिल था मेरा चंगा, रंग बिरंगी दुनिया देखे करता है अब दंगा। डोले डोले दिल बोले ले ले तू भी पंगा पंगा ले ले तू भी पंगा। डोले डोले दिल बोले ले ले तू भी पंगा पंगा ले ले तू भी पंगा पंगा ले ले तू भी पंगा। डोले डोले दिल बोले ले ले तू भी पंगा पंगा ले ले तू भी पंगा। तू यहाँ हीरो बना हुआ है और आशा मैम साहब तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रही है, चल घर पर चल। पारो पारो पर वो देख चांद पे दाग लगा है, नीचे देख वो दाग तो मिट जाएगा, देख दाग तो मैं सीने पे लगा उसे कौन मिटाएगा, मैं तो नहीं मिटा। आई बा आई बा आई बा आई बा। एक अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ अजय, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। उलझन जिंदगी का दूसरा नाम है किरण। आदमी जितना उससे भागता है उतना ही उसमें उलझता चला जाता है। बाय द वे तुम तुम्हारी उलझन बताओ, शायद मैं उसे सुलझाने में कोई मदद कर सकूं। कई दिनों से दिल और दिमाग के बीच एक जंग चल रही है, दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें दिल से काम नहीं लेना चाहिए। दिल जज्बात से काम लेता है और जज्बात बस के रास्ते में रुकावट बन सकता है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिमाग कहता है। यू आर राइट अजय, तुमने मेरी मुश्किल हल कर दी आज। मारिया चाय का क्या हुआ भाई? ला रही हूँ जी। ये लो। थैंक यू। मारिया यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन इसका जुर्म क्या है? वो जानती है, वो
उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है मारिया? Now come and tell me the truth. ऐसा क्या किया तुमने जो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आई है? मेरा विश्वास करो विशाल, मैंने कोई अपराध नहीं किया। अब नाटक करने से कोई फायदा नहीं मारिया, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है, गवाह भी है। तुमने राजेश लिंका का खून किया है। ये नामुमकिन है, मारिया किसी का खून नहीं कर सकती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मारिया तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? Why don't you say something? तुम ये कह दो कि ये सब झूठ है, तुमने किसी का खून नहीं किया। किरण दीदी, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे, अरेस्ट है। मैडम, मैडम, विशाल बेटा, देखिए ना क्या हो गया। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? आपसे कोई मिलने आया? मुझे अफसोस है मारिया कि आज मेरी वजह से तुम सलाखों के पीछे हो, और मैं ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं कि अपना जुर्म कबूल नहीं कर सकता। पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है, अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है अगर दोबारा सदमा पहुंचा तो वो तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम ये बताओ मारिया, मैं क्या करूं? अगर मैं जुर्म कबूल करता हूं तो पिताजी नहीं बचेंगे। जिस बाप को अपने बेटे पर गर्व है वो उसे खूनी के रूप में नहीं देख सकता। लेकिन तुम फिक्र मत करो मारिया, मैंने वकील साहब से तुम्हारी जमानत की बात कर ली है, तुम जल्दी बेल पर छूट जाओगी। साहब मिलने का टाइम खत्म हो गया। आई एम सॉरी अजय, मैं जानती हूं मारिया की गिरफ्तारी के बारे में सुनकर तुम्हें तकलीफ हुई होगी, मगर मैं फर्ज के हाथों मजबूर थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी किरण, मारिया को गिरफ्तार करने से पहले कम से कम तुम्हें इतना सोचना चाहिए था कि वो हमारे परिवार की बहू है। मारिया की गिरफ्तारी के कारण पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया है, और इस वक्त वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की दो राह पर खड़े हैं। किरण, अगर पिताजी को कुछ हो गया तो मैं शायद तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकूंगा। अजय, अजय, यू आर एन एजुकेटेड मैन, एक पत्रकार होकर ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने मारिया को गिरफ्तार करके कोई पाप या अपराध नहीं किया, सिर्फ मैंने ड्यूटी किया। लेकिन मारिया निर्दोष है किरण, उसने राजेश का खून नहीं किया। ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हो कि उसने खून नहीं किया? इसलिए कि राजेश के खूनी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर हिम्मत है तो सुनो, राजेश का खूनी मैं हूं। राजेश एक भेड़िया था, भोली भाली लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपने हवस की आग बुझाने वाला दरिंदा था वो। न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है उसने। मेरी बहन दिशा उसी की वजह से आत्महत्या की, उसे वो बहुत प्यार करती थी, उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। जब उसने शादी से इनकार कर दिया तो मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। वो मेरी बहन का कातिल था किरण, उसे मारकर हमने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि इंसाफ किया है। इंसान का जमीर इंसाफ का तराजू है किरण, जो जुर्म और पाप को अपने पलड़े में तौलकर सजा सुनाता है। राजेश लिंका के लिए सजाए मौत का फैसला मेरे जमीन ने किया था, वो मेरी अदालत का फैसला था। फिर भी मैं यह हरगिज नहीं चाहूंगा कि मेरी खातिर तुम अपने फर्ज से बेईमानी करो।
मैं सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत मांग रहा हूं, उसके बाद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। मैडम आपकी जमानत हो गई है, चलिए। ये क्या तुम शराब पी कर आए? सिर्फ शराब नहीं भैया, गम को शराब में मिलाकर पी गया, शायद इसीलिए नशा कुछ ज्यादा हो गया। बकवास बंद करो, जो घर माँ और पिताजी के सामने मंदिर के समान है, उस घर में तुम्हें शराब पीकर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो सिर्फ शराब पिया भैया, किसी का खून नहीं किया। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, अरे आपका दामन तो खून से लाल है। तू बोलना क्या चाहता है? मैंने तो सिर्फ शराब पिया भैया, किसी का खून नहीं किया। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, ऐसी क्या वजह थी कि कलम चलाने वाले हाथ रिवॉल्वर चलाने पर मजबूर हो गए? बोलिए, जवाब दीजिए, क्यों किया आपने राजेश निंगा का खून? हाँ जवाब दीजिए, क्यों किया आपने राजेश निंगा का खून? क्या दुश्मनी थी आपकी उसके साथ? विशाल, बड़े भैया से इस तरह बात की जाती है, लगता है शराब के नशे में पागल हो गए हो तुम। अरे मारिया, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, उस दिन पुलिस ने तुम्हें जिस कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया था, वो कत्ल इन्होंने किया है। He's a murderer. इस वक्त तुम होश में नहीं हो, चलो यहाँ से। ये कातिल है। मैं कहती हूँ। विशाल चाय। हाँ। थैंक यू। मारे अपना सामान पैक कर लो। मैंने फैसला कर लिया कि हम घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। क्यों? अब तो कुछ छुपा ही नहीं तुमसे, ये तो तुम भी जान चुकी हो कि जिस कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया था, वो कत्ल अजय भैया ने किया था। उनके कारण इस घर में जो अपमान हुआ है तुम्हारा मारिया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता, और उसके लिए मैं अजय भैया को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम सिर्फ इतना जानते हो अजय भैया खूनी है, मगर ये खून उन्होंने क्यों किया ये जानने की कोशिश नहीं की तुमने। राजेश तुम्हारी दिशा दीदी का कातिल था, उसी के कारण तुम्हारी दीदी ने खुदकुशी की थी। कल रात शराब के नशे में अजय भैया को क्या कुछ नहीं कह डाला तुमने। मेरी नजर में उन्होंने जो कुछ भी किया ठीक किया, और राजेश जैसे राक्षस का यही अंजाम होना चाहिए था। भैया कल रात वो शराब के नशे में मैंने आपके साथ बदतमीजी की थी, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। I'm sorry for it, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? ये तो सच्चाई है कि मैं कातिल हूं। नहीं भैया, मारिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। राजेश लिंका दिशा दीदी का कातिल था, और उसको मारकर आपने न्याय किया है। और अगर ये बात आपसे पहले मुझे मालूम पड़ गई होती भैया, तो मैं भी वही करता जो आपने किया है। तू फिक्र मत कर, मारिया हमारे घर की इज्जत है, उस पर आंच नहीं आने दूंगा। वक्त आने पर मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। हेलो, हाँ एक मिनट सर, मैं साहब को बुलाता हूँ। सर आपके लिए फोन है बॉम्बे टाइम्स के ऑफिस से। हेलो, हाँ मुझे पता है नागेश लिंका इस वक्त हॉस्पिटल में है और उसे हार्ट अटैक आया है, लेकिन इससे मारिया गोम्स को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसे पुलिस की निगरानी में रखा गया है और उसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हेलो प्लीज, वहां से निकल जाओ। Ah! Get out!
मैं किसी भी हालत में तुम्हें पुलिस फोर्स से इस्तीफा नहीं देने दूंगा। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो अजय। आफ्टर ऑल आई एम अ वुमन। फर्ज के रास्ते में मैं अपने प्यार को कुर्बान नहीं कर सकती। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है। मैं कोई पत्थर नहीं, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं पहना सकती। हेलो, मैं नागेश लिंका बोल रहा हूँ, जिसके नाम का डंका पूरे शहर में बजता है। क्या लग गया ना झटका? इस वक्त मैं जेल से नहीं, सत्तार भाई के फार्म हाउस से बोल रहा हूँ। और तुम्हारे छोटे भाई की बीवी मारिया अब हमारे कब्जे में है। लो, उससे बात करो। अजय भैया, मैं मारिया बोल रही हूँ। अगर इसकी जिंदगी चाहते हो तो अपनी महबूबा इंस्पेक्टर किरण चौधरी से ये कहो कि वो मेरे भाई अनवर को तुम्हारे हवाले कर दे, और तुम अनवर को फौरन लेकर यहां मेरे पास आ जाओ। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मारिया के 365 टुकड़े करके रोज एक टुकड़ा तुम्हें तोहफे के तौर पर भेजता रहूंगा। क्या हुआ, किसका फोन था? नागेश लिंका जेल से फरार हो चुका है और मारिया इस वक्त नागेश और सत्तार के कब्जे में है। क्या चाहते हैं वो लोग? मारिया के बदले अनवर पठान के लिए आई। हेलो, मैं सत्तार पठान बोल रहा हूँ। इस वक्त तेरी बीवी मारिया मेरे कब्जे में। क्या क्या चाहते हो तुम? अगर इसकी जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप किसी को बताए बगैर फौरन मेरे फार्म हाउस पर चले आओ। अजय वर्मा आओ, स्वागत है आपका। अपने घर की इज्जत को बाइज्जत ले जाने के लिए तुम मेरे भाई को लेकर आ गई, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा भाई हाजिर है, अब मारिया को छोड़ दो। जरूर छोड़ देंगे। जगो, लौंडिया को मार लिया। अजय भैया, मुझे बचा लीजिए। मैं अनवर को छोड़ रहा हूं, तुम मारिया को छोड़ दो। चलो, जाने से पहले जरा उधर तो देखते जाओ। जरा पलट के देख। मैंने कहा था ना, जिस दिन मैं जेल से बाहर निकलूंगा तेरे घर वाले उस दिन बहुत रोएंगे। तेरी हालत बिल्कुल जहरीले नाक जैसी हो गई है, जिसके दांत तोड़ दिए गए। तू सिर्फ फुनकार सकता है लेकिन काट नहीं सकता। शेर जब पिंजरे में बंद होता है ना सत्तार, तो कुत्ते भी उसके सामने भौंक कर चले जाते हैं। अगर तुम दोनों ने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे भाई को छोड़ दे, उसके बाद मुझसे मुकाबला कर। अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता है ना तू? तेरे भाई को हम तेरे हवाले जरूर करेंगे, लेकिन जिंदा नहीं, उसकी लाश लेकर। मारो साले को।
गिरफ्तार करके अपना फर्ज पूरा करो। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर अजय? मैं खूनी हूं कमिश्नर साहब। राजेश लिंका का खून मैंने किया था और उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं। आप जैसे शरीफ आदमी को गिरफ्तार करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी मैं हुकूमत से सिफारिश करूंगा कि आपको कम से कम सजा मिले।